आज राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों ने इंडिया गठबंधन को मुश्किल में डाला। सबसे पहले जयंत चौधरी लेने वाले हैं कोई बड़ा फैसला। जयंत का फैसला अखिलेश यादव को भी दे सकता है शॉक, तो कांग्रेस को तो झटका लगना तय है। आरएलडी चीफ की सियासी गतिविधियों ने सबको चौंका दिया। कांग्रेस की चौतरफा हार ने दिखा दी उसकी औकात। अकड़ में घूम रहे थे कांग्रेस नेता, वो धरी की धरी रह गई। अब पासा अखिलेश और जयंत चौधरी के पाले में है। बीजेपी को चुनौती देने के लिए जो इंडिया गठबंधन बनाया गया था, अब वो एक बार फिर दरारों का शिकार है। और एक बार फिर साथी इस गठबंधन नाम के जहाज से कूदने की तैयारी कर रहे हैं। और एक बार फिर इस खानदान का बंटवारा होने वाला है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने पोल खोल का ऐसा अभियान चलाया है कि अब हर तरफ सवालों का दौर जारी है। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी है जो इन चुनावों से पहले अकड़ में घूम रही थी और अपनी हर बात मनवाने पर अड़ी थी, तो दूसरी तरफ अन्य दल हैं जिनमें सपा और आरएलडी के नाम भी शामिल हैं। अब सपा का तो पता नहीं, लेकिन अखिलेश यादव के सबसे अच्छे दोस्त जयंत चौधरी अब हल्ला बोल करने वाले हैं और ऐसा फैसला लेने वाले हैं जो आपको चौंका सकता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बड़ी हार हुई है। इस हार के बाद इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस के साथ जाने के फैसले पर फिर से विचार कर रहे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यूपी में इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लग सकता है। गठबंधन की पार्टी आरएलडी अपने फैसले पर फिर से विचार कर सकती है। ऐसे में गठबंधन के लिए नई चुनौती खड़ी हो सकती है। आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शाहिद सिद्दीकी ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में ऐसा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी की जल्द ही बड़ी बैठक होगी। इस बैठक में हम आगामी चुनाव के लिए गठबंधन पर विचार करेंगे। बैठक में विचार किया जाएगा कि इंडिया गठबंधन में रहना है या उससे अलग रास्ते पर चलना है। कांग्रेस 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने में असमर्थ रही है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि अब हम आगे आने वाले फैसले लेने से पहले तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। सूत्रों की माने तो अगर इंडिया गठबंधन की बैठक 6 दिसंबर को ही हुई होती तो अखिलेश यादव की तरह जयंत चौधरी भी बैठक से दूरी बना सकते थे। दरअसल राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ आरएलडी का गठबंधन हुआ था। इस गठबंधन में कांग्रेस ने आरएलडी को केवल 1 सीट ही दी थी। इस चुनाव में कांग्रेस के साथ आरएलडी को केवल भरतपुर सीट मिली थी, जिस सीट पर आरएलडी ने अशोक गहलोत सरकार में मंत्री रहे सुभाष गर्ग को अपना उम्मीदवार बनाया था। इस सीट पर सुभाष गर्ग ने जीत दर्ज की है, जबकि सूत्रों की माने तो आरएलडी ने जाट बहुल क्षेत्र की 6 सीट कांग्रेस से गठबंधन के लिए मांगी थी, लेकिन कांग्रेस ने 6 सीटें देने से मना कर दिया था। इस चुनाव के बाद किसी भी गठबंधन के साथी भी अपनी मांग को मजबूती के साथ अब आरएलडी रखेगी। आरएलडी ने कांग्रेस का साथ इसलिए दिया था कि उसको इसका फायदा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब जो हालात दिख रहे हैं उससे भी यही लगता है कि कोई फायदा होगा भी नहीं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने अब नाता तोड़ने की तैयारी कर ली है और जिन पार्टियों के साथ गठबंधन है उनको अपने मन मुताबिक लचीला बनाने का भी प्लान तैयार किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।